अरे कृष्णा रे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आप कृपा करके अपना अति मूल्यवान समय हमको दिए। तो हमारे ये संकल्प कैंप है वेटनरी 2021 बैच का। अभी उनका फर्स्ट ईयर अभी 8 महीने हो गया है, अभी वो खत्म होगा। 1-2 महीने में उनका लास्ट एग्जाम है, एक्सटर्नल एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जाम के बाद वो सब सेकेंड ईयर हो जाएंगे। और उनका डीवाईएस भी कंप्लीट हुआ था। डीवाईएस जब कंप्लीट हुआ था, वो सारे के सारे आश्रम आए थे एक बार, उनका कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद ये अभी संकल्प कैंप है। सब तो नहीं जॉब कर रहे हैं रोज, मगर 4-5 बच्चे हैं वो जो रोज जॉब करते हैं। और अभी से वो संकल्प लेंगे कि हमेशा एक माला एटलीस्ट या दो माला जॉब करेंगे। और गुरु महाराज का भी अशेष कृपा है, वो भी सबको आज दर्शन दिए हमारे ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी आपका क्लास शुरू करें। तो उसके बाद, उससे पहले, एक सेकेंड, उससे पहले मैं आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो आप लोग सब उनको जानते हैं क्या? कभी उनको क्लास नहीं लिया, आपका सीनियर का लिए थे। तो प्रभु जी का नाम है डॉक्टर आलोक चक्रवर्ती, ठीक है? वो लास्ट 10-12 साल से या 14 साल से भक्ति मार्ग में है। और वो क्या करते हैं, जैसे हम तो कुछ नहीं करते हैं, वहां पर जो NIT शिलोंग है, मेघालय है, वहां पर जो बच्चे हैं उनको ऐसे भक्ति का मार्ग में लाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे भक्त भी आए हैं हमारा जैसे यंग बच्चे। और वहां पे रहते हुए भी, वहां पर पता है कितना ठंड है, यहाँ पर धूप के महीने में ऐसे चादर ढाल के बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर भी प्रभु जी रात को 3 बजे 4 बजे उठ के भगवान का नाम जप करते हैं और सारे के सारे फेस्टिवल अटेंड करते हैं। और सबसे बढ़िया चीज है, हमारा जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए हमारा वेटनरी कॉलेज के लिए, ओयूट के लिए, जब भी प्रभु जी से ऐसे बोलते हैं, प्रभु जी आधा घंटा 1 घंटा आपका समय हमको दीजिए, तो प्रभु जी तुरंत अपना समय निकाल के हमको देते हैं। प्रभु जी असिस्टेंट प्रोफेसर है वहां पर कंप्यूटर साइंस का, उनका कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर है मेघालय NIT में, NIT मेघालय में। वहां पर होते हुए भी वो इतना टाइम हमको देते हैं, ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। और अभी प्रभु जी को रिक्वेस्ट करेंगे, प्रभु जी हमारा जो अभी नया जो टॉपिक है वो टॉपिक याद है आपका? कौन कौन सा अभी टॉपिक शुरू होने वाला है, कौन बोल पाएगा अभी क्या टॉपिक आरंभ होगा, कौन बोल? अपना जप माला अपने पास रखो, ऐसे नहीं तो ऐसे ऐसे धारण कर लो ऐसे। हाँ बस ऐसे रख लो, थोड़ा सा आध्यात्मिक जैसे लगोगे। ओके, आज का टॉपिक क्या है, वहां पर लिखा हुआ है क्या टॉपिक अभी होने वाला है? ओके, व्हाट वी डू व्हाई डू द रेस्ट वी विल रिक्वेस्ट आलोक प्रो सर सो दैट ही विल स्पीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाउ वी कैन स्टार्ट।
थैंक यू, थोड़ा छोटा रखा आपने तो अच्छा रहा। इतना कुछ मतलब भगवान जैसा चाहे, भगवान जगन्नाथ की कृपा है, और आप लोग का जैसा मतलब यहाँ पर थोड़ा हो रहा, देखो, मर्सी रहा, उस हिसाब से यहाँ कुछ पर देखो, नहीं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, प्रयास करता आया हूँ। तो सभी जो उपस्थित भक्त लोग हैं, जो सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रेचुलेशन। यू पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग टू सी ऑल ऑफ यू असेंबल्ड हियर ऑन अ सैटरडे, यू नो, वेर इन लाइक वी हैव सो मेनी अदर एंगेजमेंट्स स्टिल, यू नो, बिकॉज ऑफ योर अफेक्शन, रेस्पेक्ट एंड लव फॉर योर सीनियर डॉक्टर जितेंद्र। सो यू पीपल आर असेंबल्ड हियर। पेन तो द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज वाई वी डू व्हाट वी डू। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो अगेन आई कंग्रेचुलेट यू एंड आई होप दैट आई विल स्पीक समथिंग दैट विल बी प्लीजिंग टू ऑल ऑफ यू एंड बेनिफिशियल। ओके, दैट्स माई सिंसियर हम्बल डिजायर एंड आई प्रे एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ दैट आई नो आई डू सम जस्टिस फॉर द टाइम दैट यू पीपल आर गिविंग टू मी। तो इन इंडिया व्हाट वी सी इज दैट यू नो देर आर यू नो सम पीपल हु थिंक दैट फिलोसॉफी इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिलीजियन, राइट? सो वाई दिस हैज कम, दिस नोशन हैज कम बिकॉज देर आर सम बोगस साधुस हु हैव प्रोपागेटेड दिस फिलोसॉफी दैट भक्ति एंड रिचुअल्स रिलेटेड टू यू नो पूजा पाठ एंड ऑल दिस इज फॉर द सेंटिमेंटलिस्ट, है ना? आप लोग यू नो देखेगा चर्चा होता है, चर्चा में लोग क्या करते हैं यू नो भाग लेते हैं, बोलते हैं ऐसा क्यों वैसा, लेकिन आप देखो बोल रहे हैं नियम नीति का बात कर रहा, देखो आगे रीति रिवाज करने वाले हैं कि नहीं। सो दैट इज ओके द नोशन, द जनरल नोशन दैट हैज बिकम लाइक दैट। बट वी हैड अ ग्रेट सेंट इन द लास्ट यू नो मिलेनियम, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर एंड यू नो इज रिनाउंड पर्सन एंड ही वॉज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द फाउंडर आचार्य ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सियसनेस, इज डिवाइन गेस एसी भक्तिवंत स्वामी महाराज। सो उन्होंने क्या किया, श्रील भक्तिवंत सरस्वती ठाकुर ने, उन्होंने जो इंडियन का जो धारणा है कि भक्ति रिचुअल ऐसा पूजा पाठ ये सब मतलब वो है मतलब भावुकता है, उसको स्मैश किया। और ऐसा हुआ कि आज देखो कि जो अमेरिकन लोग भी है वो लोग भी जो नियम नीति है पूजा पाठ से रिलेटेड जो कि हम लोग सनातन धर्म के जो फॉलोअर है वो फॉलो करते हैं उसको वो लोग भी कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं? हम लोग ऐसे कितने सारे अमेरिकन भी दिख जाते हैं जो लोग पूजा पाठ नियम से कर रहे हैं ना, धोती कुर्ता पहन करके, है कि नहीं? तो एक्चुअली यू नो अगर बैठ बैठ करके केवल चर्चा किया जाए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या जैसे आर्म चेयर में बैठते हैं ना ऐसे ऐसे करके जो झूलते हैं चेयर में बैठ करके, तो बैठ के अगर खाली चर्चा किया जाए कुछ किया ना जाए ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बहुत समय हम लोग देखते हैं ऐसे चर्चा करने वाले लोग, उन लोगों का क्या होता है, वो लोग मतलब जो बुराई में भी फंस जाते हैं, वाइसेस, दे गेट एंटांगल इन टू वाइसेस, राइट? सो यू कैन जस्ट यू नो अंडरस्टैंड दैट द यू नो स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन इसे आप क्या बोलो, मन का कल्पना है ना, उनको कहाँ लेके जाता है। लेकिन केमिस्ट्री तो सबने पढ़ा ही होगा। सो केमिस्ट्री में आप देखिएगा एक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट होता है। टाइट्रेशन उसका ऐसा होता है प्रोसीड्यूर कि आपको एक सॉल्यूशन दिया जाता है, उसमें आप ड्रॉप बाय ड्रॉप आप क्या करते हैं कुछ डालते जाते हैं, कंटेनर में एक एसिड होगा कुछ होगा, दूसरे में यू नो दूसरे कंटेनर से आप क्या करते हैं ड्रॉप डालते रहते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहते हैं। आप बोल रहे हैं अरे क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अरे कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो एक पॉइंट आता है, एक एक कुछ समय बीतने के बाद ही जब जाके कलर चेंज होता है कि नहीं? तो कलर तुरंत चेंज नहीं होता है, उसका एक सिस्टम है। तो वैसे ही कोई भी चीज उसको करने का भी है हमको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। टाइम जो हम देंगे
फिर जो राइट मोमेंट आएगा उस समय क्या होगा, कलर चेंज होगा, उस समय हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो हम लोग जैसे आज कुछ चर्चा करेंगे रिचुअल्स के बारे में, तो रिचुअल क्या है? रिचुअल एक तरीका है यू नो टू एक्सप्रेस आवर लव फॉर गॉड। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम्। ये जो ये आपका उसका है ईशोपनिषद में कहा गया है, भगवान को स्तुति करते समय इस तरह से शुरू करते हैं। तो पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण को हु इज कंप्लीट इन एवरीथिंग, वो खुद कंप्लीट है, उनसे जो आया वो कंप्लीट है, उन्होंने जो बनाया वो कंप्लीट है। तो उन पूर्ण भगवान को मेरा नमस्कार है। ईशो उपनिषद का जो इन्वोकेशन है दैट इज समथिंग वी से इज लाइक। तो किसी ने सही कहा है, लव मीन्स एक्शन। श्रील प्रभुपाद भी कहते थे लव शुड बी एक्सप्रेस्ड। भक्ति को इसलिए कहा जाता है डिवोशनल सर्विस। हम लोग सुनते हैं भक्ति, भक्ति का मतलब क्या है कि वी हैव टू डू सर्विस। तो जैसे हम लोग मंगल आरती करते हैं, तो मंगल आरती में क्या है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो स्पिरिचुअल मास्टर है, फिर श्रील प्रभुपाद का जो आलेख्य विग्रह बोलते हैं, फोटो वाला जो वो होता है जिनको हम पूजा करते हैं उसको आलेख्य बोलते हैं। सब टेक्निकल नॉलेज हम लोग का पूरा भरा पड़ा है। हम लोग को सिर्फ जो जीविका अर्जन यू नो फॉर द लाइवलीहुड एजुकेशन वी आर स्टडिंग द इंजीनियरिंग बुक्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स एंड यू नो वी आर थिंकिंग दैट वी आर डन, बट देयर आर सो मेनी अदर बुक्स। इतने सारे बाकी बुक फिर किस लिए? तो वो सब भी क्या है, पढ़ने के लिए है, उसमें भी तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा नहीं, तो इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा इतना कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन है ये पूजा विधि के बारे में भी। तो हम लोग देखते हैं कि अपने गुरु को और गुरु गुरु परंपरा के कुछ प्रतिनिधियों को रिप्रेजेंटेटिव्स ओके। तो जैसे हमारे गुरु महाराज हुए, फिर प्रभुपाद हुए, फिर यू नो और भी जो बड़े जो ऋषि और जो आचार्य हुए स्पिरिचुअल मास्टर्स जो डिसाइप्लिक सक्सेशन इंग्लिश में अगर कहे तो, और संस्कृत में टेक्निकली जिसे कहते हैं परंपरा, तो उनका उनका जो आलेख्य विग्रह है फोटो जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं तो वो रखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्या है यू नो कि हम लोग किसी भी गवार को नहीं रख देते, किसी भी गवार का फोटो हम लोग नहीं रख देते हैं यू नो। जैसे आजकल कभी कभी लोग फिल्म स्टार को पूजा कर लेते हैं, वो लोग का चरित्र चाहे कुछ भी कहा भी कैसा भी हो, लेकिन नहीं। तो ये हो गया कुछ ज्यादा ही भावुकता, लोग दूसरा चीज को भावुकता बोल रहे हैं कि मंदिर में पूजा पाठ में क्या है अगरबत्ती दिखाना। लेकिन आप ये क्या कर रहे हो, आप किसका किस कैसे आदमी का तुम फोटो रखे हो पूजा कर रहे हो, तब वो भावुकता नहीं होता है ठीक है। तो उन सब का फोटो रखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, राधा कृष्ण का या फिर लक्ष्मी नारायण का, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महेश सुदर्शन जी का है ना। तो इस तरह से हम लोग सीताराम जी का हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं तस्वीर, फिर पूजा करते हैं, या भगवान नरसिंह देव का पूजा करते हैं। एक बार हम लोग नरसिंह देव का बात बोले तो ऐसा मतलब दुर्भाग्य है कि एक तो सवाल आया कि ये क्या पीवी नरसिंह राव है क्या कि नहीं। तो नरसिंह देव शायद आप लोग सबको पता ही होगा है कि नहीं, तो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए आए थे ठीक है। फिर हम लोग तुलसी देवी को रखते हैं, तो तुलसी देवी भगवान को बहुत प्रिय है, तुलसी का पत्ता, तुलसी का बहुत सारा मेडिसिनल बेनिफिट भी है। तो हम लोग जानते हैं कि भगवान है ना तुलसी महारानी का जो पत्ता है उसको बहुत पसंद करते हैं ओके। तो पूजनीय है, बहुत सारे आप लोग के घर में भी तुलसी पौधा होगा है कि नहीं। फिर जैसे हम लोग क्या करते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान चैतन्य महाप्रभु का आप लोग तो उड़ीसा के हैं वासी, आप लोग देखे होगा पुरी में घुसते ही चैतन्य महाप्रभु का इतना बड़ा विशाल सुंदर सा मूर्ति है ना। फिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर भी उनका मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के अंदर उन्हीं देवी देवताओं का और उन्हीं संतों का वो है मतलब मंदिर है जो कि वेद शास्त्र के अनुसार प्रामाणिक है लेकिन ऑथेंटिक। So authenticity is a must, you know? जो भी हम करते हैं उसके पीछे authenticity होना चाहिए, because topic is why we do what we do, हम क्यों ये सब कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन। तो हम लोग क्या करते हैं,
कि जब हम लोग भगवान को और भगवान के जो प्रिय जो बाकी लोग हैं उनको जब हम लोग ऑल्टर में रखते हैं, ऑल्टर या जिसे हम लोग कहते हैं हम लोग का जो आसन, सिंगल अगर सिंपल वर्ड में बोला जाए ना, या फिर हम लोग पूजा घर में जो हम लोग सेटअप बनाते हैं उसमें जो हम लोग अलग अलग लेवल्स बना करके फिर ऊपर कुछ नीचे कुछ करके जो हम रखते हैं, ओके इस ऑल्टर, जैसे मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महेश कृष्ण जी को रखा गया है, उनका जो विग्रह है इसको कहते हैं अर्चा विग्रह, फोटो को कहते हैं क्या कोई बोल सकता है, आलेख्य विग्रह, ठीक है, और जो विग्रह जो मूर्ति जो हो गया उसको कहते हैं हम लोग अर्चा विग्रह। सो टेक्निकल डिटेल्स पूरा अवेलेबल है हमारे पास, भले ही कितना ही मुगल अटैक हो गया, ब्रिटिश अटैक हो गया और नालंदा जैसा बना तक्षशिला नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, फिर भी इतना नॉलेज बचा हुआ, सोचिए कितना नॉलेज हमारा पास था। मैं जस्ट कभी रेसिप्रोकेशन, हम लोग क्या करते हैं भगवान को पूजा जब देते हैं तो भगवान के साथ आदान प्रदान, हम लोग भगवान को कुछ देते हैं फिर भगवान से हम लोग को फिर आदान प्रदान मिलता है, और वो रियलाइजेशन जो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट की तरह ही है, एक पॉइंट आएगा तो हम लोग को आराम से अंदर से ही समझ में आता है। तो भगवान श्वेता श्वेता श्वेतर उपनिषद में भी हम लोग ये इन्फॉर्मेशन पाते हैं कि भगवान कहते हैं कि चैप्टर 3:16 चैप्टर थर्ड 3.16 श्वेता श्वेतर उपनिषद में सर्वत्र पानी पादम तत्, राइट, तो उनका जो हाथ पाव है वो सब जगह फैला हुआ है, भगवान वो स्पिरिचुअली एक्सट्रीमली पावरफुल है, ठीक है, एंड इसलिए उनको ओमनीपोटेंट ओमनीसाइंट भी कहा जाता है, वो सब कुछ कर सकते हैं हर जगह है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि जैसे बलवानों का बल वो है, चैप्टर 10 में वो बता रहे हैं जब भगवान अपना विभूति बता रहे हैं, लाइक व्हाट ही इज टेलिंग टू अर्जुन, तो ही सेइंग दैट आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रांग पीपल बलम बलवतांश्च, राइट, वो हर जगह अपने आप को प्रकाशित किए हुए अलग अलग फॉर्म में। तो जब पुजारी जो होते हैं तो वो पूजा करते हैं बाकी सबके बिहाफ में, तो भी भगवान क्या करते हैं पूरा जो भीड़ जो उनके सामने जो है जो समूह जो पूजा दे रहा है उनके साथ आदान प्रदान करना शुरू करते हैं, है कि नहीं। तो जैसे हम लोग और भी उदाहरण शास्त्र में पाए कि नरसिंह देव आदान प्रदान तो इतना किया हो गया पूरा खंभा तोड़ करके बाहर आ गए प्रहलाद महाराज को बचाने के, जब हिरण्यकशिपु ने वो किया था पिलर पे हिट किया था, वरादेव आ गए ब्रह्मा जी के नाक से निकले सुअर रूप लेकर के, पहले इतना छोटा फिर बहुत बड़ा हो गया, ओके हिरण्याक्ष से लड़ाई भी होता। तो उसी तरह से क्या है भगवान, और ये सब चीज क्या है, ये सब चीज प्रमाण है प्रूफ है कि भगवान हम लोग को देख रहे सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं प्रहलाद महाराज को कितना तकलीफ ना सहना पड़ा, पर जो एथिस्टिक आसुरिक पिता था कितना सताया, छोटा सा 5 साल का बच्चा जस्ट इमेजिन, लेकिन बहुत अत्याचार हुआ, तो उन्हें सहते गए भगवान देख रहे थे सुन रहे थे, तो लास्ट में वो प्रकट ही हो गया। तो इससे देखने को मिल रहा है कि भगवान सुनते हैं देखते हैं और फिर राइट मोमेंट में आके बचाते हैं। अभी क्या है जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में भी बहुत सारा ऑथेंटिक प्रूफ है, मैं उस दिन एक और लेक्चर में सुन रहा था, जैसे हम लोग देखेंगे दो डेटी वो लोग ऐसे हाथ ऊपर उठा के रखे हुए गौर नीता, तो उन लोग के लिए शास्त्र में कम से कम मैं एक उस लेक्चर में करीब 30 से ऊपर वर्स संस्कृत वर्स मैंने प्रूफ के हिसाब से दिया गया, एकदम ऑथेंटिक मतलब प्रेजेंटेशन था, इतना अच्छा लगा। सो गौर नितय जो है वो कलयुग के इनकार्नेशन है, दे आर द इनकार्नेशन, ओके, भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान नित्यानंद प्रभु, उनको गोल्डन युगावतार कहते हैं सुवर्ण अवतार, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो अंग कांति था वो मोल्टन गोल्ड जैसा था, ओके, भगवान नित्यानंद प्रभु ही वॉज व्हाइटिश, तो उनका भी हम लोग क्या करते हैं विग्रह रखे हुए हैं, तो दे आर कॉल्ड द फादर्स ऑफ संकीर्तन मूवमेंट, तो आप सोचिए इन लोगों का विग्रह रखना चाहिए कि नहीं, तो ये लोग पूजनीय है, इन इन सब का चरित्र तो मतलब अतुलनीय है, इनका गुण महान है, और ये लोग सब क्या है भगवत तत्व या विष्णु तत्व, लेकिन अलग अलग तत्व होते हैं, जैसे हम लोग के हम लोग जीव तत्व है, सो हम लोग का बॉडी है, बॉडी के अंदर हम लोग है, ओके, और हम लोग को एक दिन ये बॉडी से निकलना होगा, नहीं तो हम लोग तकलीफ पाते रहेंगे, आज हम लोग यंग है फिर हम लोग फिर
उम्र बढ़ेगा बढ़ते जाएगा, एक बार बूढ़ा होंगे, बहुत सारा बीमारी भी आते रहेगा और एक दिन मरना ही पड़ेगा। तो विष्णु तत्व जो है वो इन सब चीज से ऊपर है, और वो लोग जो भगवान यू नो ये सारे जो मतलब भगवान के जो रूप है उन सब में जो भगवान हम लोग को मदद करना चाहते हैं और ये पूजा पाठ करेंगे तो उसका भी फायदा होगा, ठीक है। और कभी कभी भगवान खुद नहीं आते तो भगवान अपने प्रतिनिधियों को, ही सेंड्स हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जैसे महान संत लोग हो गए, जैसे प्रभुपाद हो गए, गोस्वामी लोग हो गए, तो वो लोग आकर के क्या करते हैं, मदद करते हैं, हम लोग को सही नॉलेज देते हैं। क्योंकि हम लोग का एक टेंडेंसी है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत समय चीजें थोड़ा सुन करके थोड़ा जान के करना शुरू करते हैं, फिर नॉलेज का कनेक्शन छोड़ देते हैं, ठीक है। नहीं कहते तो है फिलोसफी इज मोर इम्पोर्टेंट, फिलोसफी इज मोर इम्पोर्टेंट, फिर फिलोसफी भी छोड़ देते हैं और सही नॉलेज से रिचुअल करना भी छोड़ देते हैं, और फिर क्या करते हैं, मन मन घड़ंत रिचुअल में भी कभी कभी फंस जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता हम लोग, लेकिन उसी से ही तो सारा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधिम बिना एकांति की हरि भक्ति उत्पाते ही कल्पते। अगर हम लोग श्रुति श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र पुराण आदि पंचरात्रि की शास्त्र ये सब को नहीं पढ़ के अगर हम लोग भगवान भगवान हरि हरि मतलब कौन भगवान, सो गॉड, तो गॉड मतलब हरि या कृष्ण या नारायण या विष्णु या जगन्नाथ या दूसरे धर्म में जैसे जिहोवा अल्लाह, ये सब एक ही आदमी के नाम है। वाहे गुरु एक ही आदमी के नाम है, राम ये सब एक आदमी के नाम है। तो अगर हम लोग ये जो नॉलेज दिया हुआ है उनको कैसे पूजा करना है, श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र उपनिषद पुराण पंचरात्रि की विधि जो नारद मुनि ने दिया था, ये सबको नहीं पढ़ के हम लोग अगर बोलते कि नहीं हम लोग होल सोल वन पॉइंटेड यू नो भगवान का एकदम भक्ति करेंगे इस तरह से, सो क्या कहते हैं, उत्पात ही वकल्पत दैट इज ए न्यूसेंस एंड ट्रबल फॉर द सोसाइटी, है कि नहीं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, सेंटिमेंटली नहीं करना चाहिए। सो हम लोग फिर क्या करते हैं, जब पूजा करते हैं तो हम लोग भगवान के सामने हम लोग झुकते जो है, और ये जो उनका जो हमने जो नियम नीति से जो हमने उनको पूजा किया उससे हम बता रहे हैं कि आपका जो हमारे लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, वी एक्नोलेज। बहुत से हम लोग कोई ईमेल करता है तो ईमेल के बाद उनको क्या थैंक यू रिप्लाई करना जरूरी होता है क्या, तो हम लोग वो रिवाज रीति रिवाज क्यों पालन करते हैं, डियर सर एंड मैडम थैंक यू फॉर योर यू नो सो एंड सो हेल्प एंड योर यू नो वैल्यूएबल टाइम, सो आई हियर बाय एक्नोलेज ओके योर कंट्रीब्यूशन, क्यों जरूरी क्या है, ये तब रीति रिवाज नहीं है, राइट। लोग कहते हैं रीति रिवाज का बात, अब मान लो ये कोई कह सकता है ये जो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि ये सब ब्लाइंड फॉलोइंग है, अंधा है वो कौन दौड़ कर अच्छी ना, थोड़ा उड़िया आगे सॉरी मतलब आता है ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग ज्यादा जानते हो मुझसे। तो भाई फिर मान लो कोई अगर यू नो वो होता है लाइटिंग ऑफ लैम्प क्यों होता है, या फिर बर्थडे में केक क्यों काट रहे हैं, वो रिवाज क्यों फॉलो कर रहे हैं, तो भाई क्योंकि लव इज समथिंग दैट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड, और यू नो हमारे अंदर जो भावना है प्रेम है स्नेह है सम्मान है उसको अगर एक्सप्रेस नहीं करोगे तो फिर नहीं होता है, वो नेचुरल चीज है हमारे लिए, और उसको एक्सप्रेस करने से क्या होता है, वो एनहेंस होता है, राइट ओके। सो इस तरह से क्या है मतलब हम लोग मतलब पूजा करते हैं, तो ये हो गया डेटी ऑल्टर सेटअप में हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा कि हम लोग स्पिरिचुअल मास्टर प्रभुपाद बाकी सेंट्स जो भगवान के महान भक्त लोग है उनको रखते हैं, फिर भगवान के जो प्रोमिनेंट रूप है कलयुग में हमको चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का विग्रह रखना चाहिए, फिर जगन्नाथ जी का रख सकते हैं, नरसिंह देव का रख सकते हैं, सीताराम लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण का रखते हैं, जो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं ना वो लोग इन उनको रखते हैं। और उठपटांग काम नहीं करना चाहिए, और बाद में कह दूं यहाँ पर जैसे कभी कभी गणेश पूजा होता है तो गणेश उत्सव में कोई गणेश जी के हाथ में क्रिकेट बैट रख दिया, ठीक है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, उसका विधि नियम है तो क्रिकेट बैट का हम मेंशन किया। फिर जैसे डांडिया होता है डांडिया डांस किसी उसके बाद ना, तो वो सब तो शास्त्र में कहीं मेंशन नहीं हुआ, पॉपुलर हो गया लेकिन मेंशन नहीं हुआ, उसको नहीं करना चाहिए। या फिर सिनेमा का गाना लगा करके पूरा कान फटाने वाला साउंड लगा करके विसर्जन करने जा रहा, वो क्या रिचुअल हुआ भाई,
कौन बना दिए सब, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ मंत्र का उच्चारण होना चाहिए जब पुजारी मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इस्कॉन में इतने सारे यंग लोग क्यों है, क्योंकि साउंड, ये जो फिलोसफी है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फिलोसफी दिया जा रहा है इस तरह। ये नहीं कि टेबल में ठोक टक करके लोग चर्चा कर रहे वगैरह, कोई नहीं जाता उधर। ज्यादातर क्या होता है फिलोसफी डिस्कशन में लोग चिल्लाना उल्लाना भी शुरू कर देते हैं, ये नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, फिर बाद में किसका क्या फायदा हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा है, इसलिए इतने सारे यंग लोग जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं। यंग लोग को लॉजिक चाहिए। जैसे फिर हम लोग अभी थोड़ा आरती का चर्चा करेंगे, तो ये तो मैंने कुछ विधि निषेध बताया, लेकिन एक्चुअली में क्या करते हैं, तो भगवान का जो पूजा है वो करना आसान है। भगवान गीता में भी बताए हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहितम अश्नामी प्रयतात्मनः। पत्र, पत्र मतलब पत्ता, फिर पुष्प मतलब फूल, और फिर फल आदि फलम, तोयम मतलब पानी। तो इन सिंपल चीजों से भगवान को पूजा कर सकते हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में मेरे को इतना हार्ट टचिंग लगा कि एक सिंपल गरीब आदमी भी जो है वो कुछ नहीं, वो इतना तो कर ही सकता है। इवन कहीं कहीं अगर तुलसी पत्ता भी नहीं होता, कोई दूसरा जो अच्छा जो पुण्यात्मा या जो जैसे प्लांट्स होते हैं, अच्छे प्लांट्स होते हैं, जैसे कोई पलाश फूल का पौधा है तो उसका पत्ता, ये गुलाब का फूल का पत्ता, वो सब भी दे सकते हैं। तुलसी पत्ता भी अवाब है, कहीं कहीं कभी कभी तुलसी प्लांट वो मर जाता है। तो इस तरह से ये फूल तो मिल ही जाएगा, एक गरीब भी कुछ नहीं है वो कर सकता है इतना, तो धीरे धीरे उसका भी पोजिशन ठीक हो जाएगा। और अमीरों का तो कहना ही क्या है कि नहीं। तो हमारा जैसा लेवल होता है वैसा से हमको भगवान के साथ कुछ आदान प्रदान करना चाहिए। फिर वो जो प्रसाद है आप उसको खुशी खुशी दोस्तों में बांट करके खाओ, हंसी करो, तब मना नहीं है, है कि नहीं। तो तब उसमें क्या होगा कि मोड ऑफ गुडनेस फैलेगा, सबको आनंद आएगा। आरती में क्या होता है उसी तरह से, अब जिसका सामर्थ्य है उनको क्या करना चाहिए, शंख रखना चाहिए, फिर धूप बत्ती रखना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए, इस तरह से। तो ये क्या है, धूप दीप, फिर ओके आपका अर्घ्य, फिर वस्त्र पुष्प, उसके बाद आपका हो गया चामर, और फिर आपका जो मतलब आदर हम लोग करते हैं आलट रखते हैं या फिर मयूर पंख रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है आरती के समय ही होता है, आप लोग देख रहे होंगे या देखा होगा आपने, आरती में धूप से शुरू हुआ, फिर दीप दिया, फिर शंख में पानी, फिर उसमें कभी कभी थोड़ा सेंट या फिर फूल मिलाते हैं, या विष्णु तत्व तो पूजा जब होता है तो तुलसी पत्ता रखते हैं, उसके बाद आपका वो वस्त्र यूज होता है, और फिर पुष्प यूज होता है। तो ये सिंपल भाषा में बोला जाए, तेरा तुझको अर्पण लागे क्या मेरा, है ना, इस तरह से कहावत है ना। तो सब कुछ भगवान का है, भगवान गीता ही बताते हैं कि भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रे वच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अस्पताम। तो पांच महाभूत, पांच तत्व है, ओके। सो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, देन माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, राइट। हमारा बॉडी में सब कुछ है। जैसे हम लोग अगर बोलेंगे बॉडी में फायर एलिमेंट क्या है, प्रभात अगर पूछा तो कहते हैं बॉडी में वार्म है, गर्मी है, दैट्स द प्रूफ दैट इन द फायर एलिमेंट इज देयर। तो हीट एंड लाइट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर। तो इस तरह से वी हैव अ बॉडी मेड अप ऑफ मेनली द अर्थ, डिफरेंट प्लैनेट्स देयर आर बॉडीज मेड अप ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, सन एलिमेंट इन सन प्लैनेट देयर इज बॉडीज ऑफ फायरी द एलिमेंट, ओके। सो दीज आर द फाइव एलिमेंट्स, ओके, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर एंड देन माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो। तो इसको हम लोग ऑफर करते हैं जब हम लोग कॉन्च दिखा रहे हैं जिसमें पानी है, ओके, एंड देन हम लोग कॉन्च बजाते भी है, वो भी है, ओके। तो देयर इज साउंड एलिमेंट, सो ये भी एक उत्सव हुआ, ओके। इन सारी चीजों जो हम कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रेयर्स ऑफर कर रहे हैं आरती करते समय, तो क्या हो रहा है कि हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियसनेस उसको प्योरीफाई कर देता है, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जैसे हम लोग रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, देयर आर लाइक सो मेनी स्क्रिप्चर्स, जब हम उनको पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा इंटेलिजेंस को ऑफर कर रहे हैं। भगवान गीता में बताया भी है कि जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं वो फिर क्या है, अपना इंटेलिजेंस से मेरे को पूजा करते हैं। बहुत सारा तरीका दे के दिए हैं, बहुत आसान है, इसलिए भगवान को अगर सही तरह से पूजा करने जाए बहुत आसान, सिर्फ पढ़ने से पूजा हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग जो प्रणाम करते हैं, बहुत समय हम लोग देखते हैं हम लोग है
मिलते हैं, हम लोग से बड़ों को हम लोग प्रणाम करते हैं, ओके, एटलीस्ट हम लोग ऊपर सिर झुका रहे हैं, हाथ जोड़े वो कर रहे हैं, कभी हम लोग पूरा मिट्टी में झुक रहे हैं, भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, सो उससे क्या कर रहे हैं, हमारा जो ईगो है, ईगो को हम लोग ऑफर कर दे, ओके, दैट्स द रीजन। देखो आज आपको सबका जस्टिफिकेशन मिलेगा, हम लोग घी लैम्प दिखा रहे हैं तो हम लोग भगवान का चेहरा को हाईलाइट कर रहे हैं कि भगवान अभी आप प्रोमिनेंट हो, जगन्नाथ जी के सामने, बलभद्र जी के सामने हम लोग जो घी लैम्प माँ सुभद्रा मैया के सामने घी लेने गए तो लाइट उनके चेहरे पे पड़ रहा है कि नहीं, ना कि हमारे चेहरे पे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको प्रोमिनेंट बना रहे हैं उस समय, है कि नहीं। इवन मेरा भी एक फेस है, लेकिन आपको प्यार करता हूँ, आपको रेस्पेक्ट करता हूँ, आपका चेहरा को प्रोमिनेंट बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये सब अलग अलग तरीके है जिससे हम लोग का जो अंदर का जो वासना है उनके फॉल्स ईगो जल जाएगा। घी जो है वो हमारा अंदर का जो वासना है उसका प्रतिनिधित्व करता है, और जो यू नो जब हम लोग आग जलाते आते हैं तो हमारा जो ईगो है वो यू नो इट इज बर्न टू एशेस, राख बन जाता है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, लैंप दिखाने के बाद आरती के बाद सब एक्सेप्ट करते हैं उसको। उसका भी रीजन है, उसका रीजन ये है कि मेरा जो विजन है, हम लोग ऐसे क्या करते हैं, ऐसे लेके आंख में लगा रहे हैं, मेरा जो अंधकार में जो विजन है okay, वो क्या हो जाए, वो जल उठे, okay? May it get lit up। फिर अब बोलेंगे कि भाई ये तो ठीक है, तो हम सबको करना चाहिए, तो हमको पूजा करने तो नहीं दिया जाता, नहीं, जो पुजारी है ही रिप्रेजेंट्स एवरीवन, ही रिप्रेजेंट्स, ही डस द वर्शिप ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, ओके। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग भी करते हैं, पूजा आराधना होता है तो आरती हुआ, इस तरह से कुछ मैंने क्या भगवान को ऑफर कर सकते हैं खाने के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तो उसके बारे में बताया, फिर हम लोग सिंगिंग डांसिंग करते हैं, तो सिंगिंग डांसिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाव को थोड़ा हिलाते हैं, स्टेप्स है कुछ, जैसे हम लोग का यू नो स्वामी स्टेप बोल के एक है वो करते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं। सो किस लिए, अब जैसे मान लीजिए शादी में नाचना ये रिवाज क्या मस्ट है क्या, इतने सालों से चला रहा है, किस लिए भाई, तो इसको ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं बोलेंगे हम लोग, नहीं, शादी के दिन लोग जब नाच रहे हैं किसी के लिए नाच रहे हैं, किस लिए नाच रहे हैं, जिसका जिन लोगों का शादी हो रहा है उनकी खुशी के लिए, भाई का शादी हो रहा है दूसरा भाई क्यों डांस कर रहा है, लेकिन पिताजी भी क्यों नाचते हैं, वो गणपति भी बोलेगी हम लोग रास्ते में उतर के क्यों नाचते हैं, है कि नहीं। तो यू नो इसलिए क्योंकि जो पर्सन जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है उसके खुशी के लिए, क्योंकि वो उस दिन का हीरो है, इज अ वन डे हीरो, है कि नहीं। तो उसी तरह से हम लोग जब नाचते गाते हैं तो भगवान के लिए हम लोग रियल डांस करना चाहिए, और भगवान क्या है ओके, वो सब कुछ दे रहे हैं हम लोग। तो ब्रजवासी जो है वो लोग नाच रहे थे किसके लिए, कृष्णा के प्लेजर के लिए, उनकी खुशी के लिए, है कि नहीं। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा ही दिल में एक चार माता है, उसे बाद में लोग ब्लिस के रूप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, है कि नहीं। अभी जैसे हम लोग भगवान को कभी भी सेंट ऑफर करते हैं, नृसिंह आरती हुआ होगा तो सब देखा होगा कि हाथ में लगा कुछ सेंट दी है, ओके। तो देखिए एक्चुअली ये सारे चीज तो भगवान को हम लोग का प्रेम एक्सप्रेस करने के लिए है, लेकिन यू नो सेंट के बारे में क्या कहूँ, तो हम लोग का क्या है, एक वर्ष में भगवान का गुणगान ऐसे किया गया है कि यू नो भगवान जो है वो ऋषिकेश है, सो ऋषिकेश मतलब क्या, इज द मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस। सी हम लोग बेसिकली हम लोग पांच सेंस जानते हैं, बट देयर आर मेनी, यू नो 10 वर्किंग सेंसेस ओके आर देयर, और 10 यू नो, सो यू नो वर्किंग सेंसेस हो गया, एंड देन यू नो सेंस ऑफ परसेप्शन हो गया, ऐसे ऐसे करके हम लोग वैदिक लिटरेचर में और डिटेल जाते हैं, तो सेंस का क्लासिफिकेशन है। तो अगर ये सारा सेंसेस को अगर देखा जाए तो इन सब के मास्टर जो है भगवान ऋषिकेश, ओके। सो ऋषिकेश मतलब मास्टर ऑफ द सेंसेस, तो कहा गया है ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम भक्ति रुच्यते, तो हमारे जो सेंसोरी एक्टिविटीज है उससे हम लोग द मास्टर ऑफ द सेंसेस को अगर सेवा करेंगे तो क्या है, इसको भक्ति उच्यते, देन दैट इज डिफाइंड एज प्योर डिवोशनल सर्विस, ठीक है। तो हमारे एक महान राजा हुए हिस्टोरिक यू नो पर्सनालिटी किंग अम्बरीश, तो उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपना सारा जो सेंसेस है उसका जो एक्टिविटीज है वो उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया था, ठीक है। महाराज अम्बरीश इतने महान भक्त थे, बहुत धनी थे, ओके, और उन्होंने क्या किया,
अपना सेंस जितना मतलब एक्टिविटीज है उस सब उन्होंने लगा दिया भगवान की सेवा में। ओके, तो उनके लिए एक फेमस वर्स आता है, सवाई मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने कराव हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शन दिशो नृत्य गात्र स्पर्श्यांग संगमम गृहाणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्य रसनाम तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामम च दासे न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। तो ये किंग अम्बरीश के बारे में श्रीमद् भागवतम में भगवत पुराण का जो नवा खंड चौथा अध्याय वर्ष नंबर 18-20 में बताया गया है। सो किंग अम्बरीश ने उन्होंने क्या किया, अपना मन जो है वो भगवान के चरण को याद करने के लिए, भगवान के जो सुंदर चरण है उनको याद करने के लिए, उनके चरण से जो शोभा आती है, उनके चरण का जो डेकोरेशन है अलग अलग रिंग से एंड वो ओके सब कुछ उसे इतना डिटेल में वो ध्यान करते थे। उनका जो बोलना है, बोलने का शक्ति उन्होंने भगवान का जो वो है धाम है जहाँ भवन रहते हैं उसका चर्चा में लगाया। मंदिर साफ खुद करते थे, राजा थे, महान राजा थे, सम्राट थे, पृथ्वी के राजा थे। तो पहले जमाने के राजा बहुत पावरफुल हुआ करते, इवन परीक्षित महाराज, ऋषि महाराज, ये लोग क्या थे, पूरा धरती के राजा हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे राजा लोग वीक हो गए, वीक होते गए इस तरह से। ओके, तो अभी हम लोग जब चंद्रगुप्त सुनते हैं तो लगता है बाप रे इतने बड़े राजा, लेकिन महाराज परीक्षित, फिर उनके पुत्र जन्मजय, ये लोग पूरा पृथ्वी का राजा हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे राजा राजा वीक होते गए। तो अम्बरीश महाराज महाराज थे, सम्राट थे, पूरा है ना धरती के राजा थे, तो वो खुद मंदिर साफ करते थे, नौकर चाकर को नहीं लगाते थे। फिर अपने कान को बिजी रखते थे भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान का पास टाइम्स या लीला सुनने में, देखते थे अपने आंखों से तो भगवान का ही फॉर्म, भगवान के विभिन्न अवतारों का फॉर्म, इस तरह से भगवान के भक्तों का दर्शन करते थे। अपना शरीर जो है भक्तों की बॉडी को छूने में, मतलब क्या है उनका पाव आदि सेवा या उनका मैसेज करके देना इस तरह से, मतलब महान जो ऋषि वगैरह थे भगवान के भक्त आते थे उनका खुद वो सेवा करते थे, नौकरों को नहीं लगाते पैसा दे करके। अपना नाक से वो फूल तुलसी जो भगवान को ऑफर किया गया है वो सब सूंघते थे, जो सेंट है वो सब सूंघते थे। खुद जो आपका जीभ है, जीभ से तुलसी खाते थे, पाव को यूज करते थे भगवान का जो पुण्य धाम तीर्थ आदि है वहां जाने के लिए, ओके, या फिर भगवान का जहाँ मंदिर है वहां जाने के लिए। अपना सिर यूज करते थे भगवान को प्रणाम अर्पण करने के लिए, और फिर अपना इच्छा जो है, मन मन तो इच्छा करते रहता है, मन का क्या है आदत है संकल्प विकल्प, इट डिजायर्स, ओके, थिंकिंग फीलिंग विलिंग वी से। तो डिजायर्स जो है वो भगवान की डिजायर से मिलाने के लिए कोशिश करते कि मैं ये इच्छा कर रहा हूँ, भगवान क्या चाहते होंगे, तो शास्त्र देख करके वो ही काम करते थे इस तरह से। तो इतने महान राजा थे, तो इसलिए उनको मत पर भक्त कहा जाता है। मत पर एक बहुत हाई फाई टेक्निकल टर्म है। तो ये सारे इतने महान क्वालिफिकेशन थे, तो भगवान के पूरे मतलब तन्मय भक्त थे, ठीक है। सो देन यू नो इस तरह से मतलब भगवान के बारे में हम लोग ने सुना, महान महान भक्त लोग क्या करते थे, लेकिन नहीं, लेकिन क्या होगा आजकल जैसे टेक्नोलॉजी का इतना एडवांसमेंट हो गया है ना, सो इसलिए ये सारे फाइन पॉइंट्स का नॉलेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है। अभी एडवर्टाइजमेंट में चल रहा है, ठीक है, ये नॉलेज एंड ये नया टेक्नोलॉजी, तो ज्यादातर इनके बारे में चर्चा हो रहा है। और ये सब जो नॉलेज है ये भी तो नॉलेज है, ये सब को कौन पढ़ सकता है, ह्यूमन बींग्स ही तो पढ़ सकता है ना, नहीं तो ये सब भी तो लिखा गया है। तो ये सब को लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है इनका जानकारी हमें चाहिए, तो हमको बताएगा कि जो हम लोग कर रहे हैं वो अंधा मतलब वो नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। सो हम लोग इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर, साइंटिस्ट, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने जब आए तो हम लोग क्या है, बच्चा लोग ही है। तो हम लोग सबको क्या करना है, हमारा जो इंद्रिय है, हम लोग का जो सेंस जो हम लोग को कंटिन्यूअसली डिक्टेट कर रहा है, माइंड बोल रहा है ये करो वो करो ये करो वो करो, इसको कंट्रोल में लाना है, तो हम लोग जितेंद्रिय बनेंगे, है कि नहीं। सो तो हम लोग का एक्चुअली मन में बहुत सारा प्यार है जो हम लोग भगवान को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और सही मायने में भगवान को हम लोग प्यार अगर करते हैं तो भगवान के हर लिविंग एंटिटी को, खाली ह्यूमन नहीं, हर लिविंग एंटिटी को, सब कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा सब सबको हम लोग प्यार करेंगे, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि जब इंडिया में पहले रामायण महाभारत पहले टीवी में आया था, अचानक बंद हो गया, तो पूरा इंडिया में एकदम पूरा चित्कार सा हो गया था, क्यों बंद हो गया,
इतना फेवरेट था लोगों, क्योंकि लोग नेचुरली राम जी को पसंद करते थे, कृष्ण जी को प्यार करते थे, तो उनका सीरियल बंद हुआ तो दिक्कत हो गया था। सो प्रैक्टिकल रिसेंट प्रूफ है, ठीक है। नहीं तो हम लोग ये सब जब नियम से ये सब चीज जो करते हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए, तो क्या होता है कि प्रार्थना ऊपर गया फिर आशीर्वाद नीचे आता है, हमारा जो अहंकार है ओके, और जो निगेटिव चीज है मन के अंदर जो हम लोग को वीक बनाता है वो क्या होता है, उसका दमन हो जाता है ओके। सो सार वस्तु जो है वो हम लोग को सिखाया नहीं जा रहा ओके, बट वो हमको सीखना चाहिए, खुद ही दूसरों से सीखना चाहिए जो जानते हैं, ऐसे अच्छे लोग हमको संग करना चाहिए, जैसे यहाँ डॉक्टर जितेंद्र जी है ओके। तो आप इनके साथ अगर संग करके जानेंगे, ऐसे लोगों के साथ मिले जानेंगे तो ना जान पाएंगे। भगवान जब ये सब करते हुए हम लोग को देखते हैं, नाचते गाते देखते हैं, तो भगवान खुश होते हैं। एक्चुअली भगवान चाहते हैं कि हम लोग खुश रहे हमेशा, ठीक है। सो इतना मैं कहना चाहता था, तो यहाँ यहाँ पर अपने वाणी को विराम दूंगा, ठीक है। इन एसेंस हमको याद रखना चाहिए कि सब चीज के पीछे कुछ रीजन है, हमने रीजन डिस्कस किए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करना भी पॉसिबल है।